जय श्री राधे कृष्णा, ईश्वर आपका सदा भला करे। दोस्तों, ये वीडियो भगवत गीता के सबसे गहरे और महत्वपूर्ण उपदेशों पर आधारित है, जो आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। जो भी इन शिक्षाओं को समझ लेगा, वो अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन और चमत्कार होते देखेगा। मैं आपको ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप गीता के इन 49 उपदेशों को गहराई से समझ पाए, तो आपकी मानसिक शक्ति और जीवन की समझ दोनों कई गुना बढ़ जाएंगी। इसलिए इस वीडियो को पूरे ध्यान और एकाग्रता के साथ अंत तक जरूर देखें। हो सकता है यही वो क्षण हो जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल दे। श्रीमद् भगवद गीता का पहला उपदेश हमें इस सच्चाई से रूबरू करवाता है कि इस कलयुग में केवल मांगने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अगर आप सोचते हैं कि आपका हक और अधिकार आपको यूं ही मिल जाएगा, तो ये भ्रम त्याग दीजिए। इस युग में लोग आपके अधिकारों को छीनने की कोशिश में रहते हैं, और यदि आप दाता या दानी बनकर चुपचाप बैठे रहेंगे या थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे, तो आपका हक छीनते देर नहीं लगेगी। जिसके पास आपसे अधिक शक्ति होगी, वो आपको कभी भी न्याय या अधिकार सहजता से नहीं देगा। कई बार आप दूसरों के दबाव में आकर अपनी शक्ति और अपने अधिकारों को पहचान ही नहीं पाते। ऐसे में आप बेवजह दुखी रहते हैं, क्योंकि जो आपका हक है वो आपको मिलता ही नहीं। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि इस कलयुग में अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करना जरूरी है। पांडवों का उदाहरण ले, उनका राज्य जो उनके पिता महाराज पांडु का था, उन्हें बिना युद्ध किए नहीं मिला। धृतराष्ट्र जो केवल कार्यकारी राजा थे, ने अपने पुत्र दुर्योधन के साथ मिलकर उस राज्य पर कब्जा जमा लिया, जबकि उस पर उनका कोई अधिकार ही नहीं था। पांडव जो ना केवल जन्म से बल्कि अपने गुणों से भी उस राज्य के अधिकारी थे, उन्हें अपने ही राज्य को पाने के लिए उनसे युद्ध लड़ना पड़ा और अनगिनत लोगों का जीवन समाप्त करना पड़ा। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि इस युग में बिना प्रयास, संघर्ष और दृढ़ता के साथ कोई भी आपको आपका अधिकार नहीं देगा। इसलिए ये ज्ञान हमें प्रेरणा देता है कि हमें अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए अडिग रहकर प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा उपदेश ये है कि जीवन एक युद्ध भूमि है। यहाँ चाहे कोई कितना भी अपना लगे या पराया हो, आपको हर किसी के प्रति सावधान रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपके दुखों का कारण बनता है, चाहे वो कितना भी प्रिय क्यों ना हो, उससे सामना करना और इसके विरुद्ध खड़ा होना आपके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। महाभारत का युद्ध अपनों के बीच का संघर्ष था, भाइयों के बीच की लड़ाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के माध्यम से ये सिखाया कि इस दुनिया में कोई भी वास्तव में अपना नहीं है। ये जो अपनापन हम अपने मन में महसूस करते हैं, वही हमारी कमजोरियों का कारण बनता है और हमें दुख देता है। जहां आप अपनापन जोड़ते हैं, वही आप भावनाओं में बहकर कमजोर पड़ जाते हैं। ऐसे में आपके साथ छल करना और आपको कष्ट पहुंचाना दूसरों के लिए आसान हो जाता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति आपके लिए पराया है, वो आपके साथ कभी छल नहीं कर सकता, क्योंकि आपने उसे अपने मन से अपनाया ही नहीं है। गीता हमें सिखाती है कि अपनेपन के इस भ्रम से बचें और अपनी भावनाओं को कमजोर ना होने दें। ये जीवन का दूसरा और महत्वपूर्ण पाठ है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और जीवन के युद्ध में मजबूती से खड़े रहें। श्रीमद् भगवद गीता की तीसरी शिक्षा ये है कि ये कलयुग है, और यहाँ ये सोचना कि कोई आपसे बिना स्वार्थ प्रेम करेगा, आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। निस्वार्थ प्रेम इस युग में लगभग असंभव सा है। सिर्फ माता पिता ही ऐसे होते हैं जो अपनी ममता और प्रेम को बिना किसी स्वार्थ के आप पर लुटाते हैं। उनके अलावा अगर आप किसी और से ऐसी उम्मीद करते हैं, तो ये आपको कभी ना कभी गहरी चोट पहुंचाएगा। इसलिए ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि आज नहीं तो कल इस भ्रम में जीने से आपको केवल दुख ही सहना पड़ेगा। दोस्तों, इससे पहले कि हम अगले विचार पर जाएं, अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख रहे हैं, तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। और साथ ही आपके जीवन में कुछ भी मानसिक समस्याएं हो, तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं, जिसका समाधान देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की चौथी शिक्षा हमें सिखाती है कि आपके रिश्तेदार और मित्र अक्सर आपकी सफलता और खुशी से कभी पूरी तरह प्रसन्न नहीं होते। महाभारत का उदाहरण ले लें, युधिष्ठिर जो धृतराष्ट्र को अपने पिता समान मानता था, हमेशा उनकी बात मानता रहा, लेकिन धृतराष्ट्र ने पुत्र दुर्योधन के प्रभाव में आकर पांडवों के साथ बार बार अन्याय और अधर्म किया। पांडव रिश्तेदारी निभाने के लिए चुपचाप ये सब सहते रहे,
लेकिन इसका परिणाम उनके लिए बहुत दुखद रहा। द्रौपदी जो उनकी पत्नी थी, उसी के चचेरे देवर ने भरी सभा में उसे अपमानित करने की कोशिश की। ध्यान देने वाली बात तो ये है कि ये सब उनके अपने ही घर के लोग थे, कोई बाहर का दुश्मन नहीं था। ये तो हजारों साल पुरानी बात है, लेकिन आज की दुनिया इससे कहीं आगे निकल चुकी है। रिश्ते नाते निभाने के चक्कर में अक्सर हम अपनी पूरी जिंदगी दुख और संघर्ष में बिता देते हैं। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा रिश्तों को निभाने की कोशिश करता है, वही सबसे ज्यादा चोट खाता है। उसे बेवकूफ समझा जाता है, उसकी बुराई होती है और लोग उसका सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। इसलिए गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि रिश्ते नाते निभाने में अपना जीवन व्यर्थ ना करें, संबंधों को समझदारी और संतुलन के साथ निभाएं, लेकिन अपनी खुशी और आत्मसम्मान को अहमियत दें। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां महत्वपूर्ण उपदेश हमें यह सिखाता है कि जिंदगी में कभी किसी इंसान का मोहताज मत बनिए। जब तक आप अपने पैरों पर खड़े हैं और किसी पर निर्भर नहीं हैं, तब तक ना तो कोई आपको दुख पहुंचा सकता है और ना ही आपका फायदा उठा सकता है। लेकिन जिस पल आप किसी के मोहताज हो जाते हैं ना, उसी पल से वो व्यक्ति आपको कंट्रोल करने और आपका शोषण करने लगता है। अगर आप अपने जीवन को किसी और के भरोसे छोड़ देंगे तो वो आपको अपनी शर्तों पर जीने के लिए मजबूर करेगा। यहाँ तक कि छोटे छोटे कामों के लिए भी अगर आप किसी के मोहताज हो जाते हैं तो वो व्यक्ति आपको अपनी सुविधा के हिसाब से परेशान करना शुरू कर देता है। जैसे किसी नौकर का काम पूरी तरह उस पर छोड़ देने से वो जानता है कि आप उसके बिना कुछ नहीं कर पाएंगे, और उसका फायदा उठाते हुए वो आपको तंग करने में पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे नौकरी में हैं जहां आपका बॉस गलत होने पर भी आपसे अपना हर फैसला मानने को कहता है, तो इसका सीधा कारण यही है कि वो जानता है कि आप उसके मोहताज हैं, और इस तरह से वो आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसे गुलामों के साथ किया जाता है। ये बात केवल शारीरिक निर्भरता तक सीमित नहीं है, सबसे बड़ी मोहताज मन की होती है। जब आप अपने मन में ये सोचने लगते हैं कि आपको किसी का सहारा चाहिए, तब आप अपने अकेलेपन से डर कर ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो आपके इस मानसिक कमजोर पहलू का पूरा फायदा उठाते हैं। माँ बाप के सिवा इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो निस्वार्थ भाव से आपका भला सोचे। हर रिश्ता जिसमें आप मोहताज होते हैं अंत में आपकी तकलीफों का कारण बनता है। चाहे आप किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लें, वो व्यक्ति आपको अपनी खुशी के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, आपकी प्रतिभा को दबाएगा, आपके पंख काट दिए जाएंगे। किसी का मोहताज होना जीते जी मर जाने से भी बदतर है। याद रखें, अपने जीवन को इस तरह से जिए कि आप खुद के मालिक हों, किसी और के नहीं। श्रीमद् भगवद गीता की 6ठी शिक्षा हमें यह सिखाती है कि अपने बीते हुए समय को भुला देना ही समझदारी है। अगर आप अपने गुजरे हुए कल के दुख में उलझे रहेंगे तो वर्तमान में कभी सच्ची खुशी का अनुभव नहीं कर पाएंगे। समझदार लोग अपने बीते हुए समय से सीखते हैं, लेकिन उसके दुख को अपने आज पर हावी नहीं होने देते। आपका बीता हुआ कल चाहे जैसा भी रहा हो, उसका प्रभाव केवल तभी तक रहता है जब तक आप उसे अपने आज पर हावी नहीं होने देते। जो भी हुआ उससे सबक लीजिए और आगे बढ़ते जाइए। अपने जीवन में ये ठान लें, अब वैसी गलती नहीं दोहराएंगे। यही सही तरीका है अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने का। श्रीमद् भगवद गीता की 7वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि दूसरों के लिए खुद को पूरी तरह कुर्बान करना छोड़ दें। जब आप दूसरों के लिए जरूरत से ज्यादा करने लगते हैं तो लोग आपकी कद्र करना बंद कर देते हैं। आपकी परवाह, आपका प्यार और आपका योगदान उनके लिए साधारण सा लगने लग जाता है। दुनिया का स्वभाव ऐसा है कि आप चाहे किसी के लिए कितना भी कर लें, लोग इसे हमेशा याद नहीं रखते। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो खुद को उनके लिए सस्ता ना बनाएं। अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दीजिए और ये समझें कि अपनी क्षमताओं में रहकर ही दूसरों की मदद करना सही है। श्रीमद् भगवद गीता की 8वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि जो लोग आपको पसंद नहीं करते या जो आपके दुख का कारण बनते हैं, उनसे दूरी बना लेना ही सबसे अच्छा उपाय है। केवल उनसे दूर रहना ही काफी नहीं है, बल्कि उनके बारे में बात करना या सोचते रहना भी आपको उनके प्रभाव से मुक्त नहीं कर पाएगा। जब आप उनके बारे में बार बार बातें करते हैं तो आप अनजाने में अपने दुख को बार बार जीते हैं। ऐसा करने से आप अपने भीतर उन भावनाओं को जीवित रखते हैं जो आपके लिए तकलीफ का कारण है। इसलिए जिनसे आपको तकलीफ होती है उनसे शारीरिक और मानसिक दूरी बनाए रखना सबसे सही तरीका है। इससे आप अपने मन को शांत और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की 9वीं शिक्षा हमें सिखाती है कि किसी भी घर, परिवार या रिश्ते में प्रेम तभी बना रहता है जब उस रिश्ते से जुड़ा हर व्यक्ति
ना केवल अपने बारे में बल्कि दूसरों की भी परवाह करे। आजकल लोग रिश्ते तो जोड़ लेते हैं लेकिन उनमें प्रेम और परवाह गायब होती जा रही है। स्वार्थ और अहंकार ने इंसानों को इतना घेर लिया है कि उन्हें यह फर्क ही नहीं पड़ता कि रिश्ते टूट जाए या उनमें नफरत पनप जाए। हर नया रिश्ता इसलिए शुरू होता है क्योंकि उसमें परवाह और सम्मान होता है, लेकिन जैसे जैसे स्वार्थ और अहंकार हावी होने लग जाते हैं रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। महाभारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। धृतराष्ट्र को सिर्फ अपनी सत्ता और राज्य का लालच था। उसने रिश्तों और समाज की परवाह नहीं की और इसका परिणाम महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध था। गीता हमें सिखाती है कि जिस चीज की आप परवाह नहीं करेंगे उसे एक दिन अवश्य ही खो देंगे, चाहे वो रिश्ता हो, समय हो, स्वास्थ्य हो या आपकी जिंदगी। परवाह करना ही किसी रिश्ते या जीवन को बनाए रखने का मूल मंत्र है। श्रीमद् भगवद गीता की 10वीं शिक्षा हमें सिखाती है कि छोटी छोटी बातों पर जल्दी क्रोध करना इंसान को बर्बाद कर सकता है। जो लोग हर बात पर गुस्सा करते हैं वे अपने रिश्तों में सच्चाई और गहराई नहीं पा सकते। लोग उनसे डरने लगते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि किस बात पर गुस्सा आ जाएगा। इससे रिश्तों में भरोसा खत्म होने लग जाता है। शारीरिक रूप से भी अत्यधिक क्रोध करने वाले लोगों में हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। मानसिक रूप से ऐसे लोग दुखी रहते हैं और उनकी सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है। गीता सिखाती है कि क्रोध पर नियंत्रण करना और धैर्य रखना इंसान को सच्चा सुख और संतोष पाने में मदद करता है। अपने गुस्से पर काम करें क्योंकि यही स्वास्थ्य और शांतिपूर्ण जीवन की चाबी है। श्रीमद् भगवद गीता की 11वीं शिक्षा हमें एक गहरा और महत्वपूर्ण सबक देती है कि जीवन में अकेला चलना सीखें। चाहे आप किसी को कितना भी अकेला क्यों ना मान लें, एक ना एक दिन वो व्यक्ति आपका साथ छोड़ ही सकता है। इस दुनिया में किसी का भरोसा अस्थायी नहीं होता और लोग कभी भी बदल सकते हैं। जब आप किसी को अपनी सारी खुशियों का केंद्र बना लेते हैं तो उसके आपके जीवन से चले जाने पर आपकी सारी खुशियां भी छिन जाती है। इसलिए अपने आप को इस बात के लिए तैयार करें कि अकेले जीने की कला भी आनी चाहिए, क्योंकि जीवन में लोग आते जाते रहेंगे लेकिन आरंभ से अंत तक केवल आप ही अपने साथ रहेंगे। जैसा कहा जाता है, इस दुनिया में इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है, लेकिन इस बीच का जो समय है अगर उसमें अकेले जीने की आदत डाल ली जाए ना, तो ना ही किसी से जुड़ने की बहुत ज्यादा खुशी होगी और ना ही किसी के जाने का गम। जीवन की सच्चाई को अपनाएं और अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि आप हर परिस्थिति का सामना मुस्कुरा कर सकें। श्रीमद् भगवद गीता की 12वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि जीवन में किसी पर अत्यधिक मोह और अपनापन रखना अक्सर गहरे दुख का कारण बनता है। दुनिया में रोज अनगिनत घटनाएं होती हैं लेकिन हमें उनसे उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी उस वक्त होती है जब कोई अपना कुछ गलत कर जाए। बाहरी दुनिया का व्यवहार हमें कम चोट पहुंचाता है पर अपनों के बदले हुए व्यवहार से हमारा दिल टूट जाता है। जब हम किसी के साथ गहराई से जुड़ते हैं तो उनके द्वारा किया गया हर छोटा या बड़ा बदलाव हमें आहत कर देता है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए रोते हैं, प्रेमी अपने प्रेम के लिए रोते हैं और हर वो व्यक्ति जिसे हम खास मानते हैं हमारे दुख का कारण बन सकता है। जीवन का यह कड़वा सच है कि जिससे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं अक्सर हमें सबसे बड़ा घाव भी वहीं से मिलता है। कई लोग कहते हैं कि उन्हें ऐसे व्यक्ति से धोखा मिला जिससे वे उसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। लेकिन धोखा क्यों मिलता है? क्योंकि हम किसी को अपनी जिंदगी में वो जगह दे देते हैं जिसके वो हकदार तक नहीं होते। इसलिए मित्रों, ये समझना जरूरी है कि अत्यधिक मोह और भरोसा हमेशा दुख का कारण बनता है। किसी पर इतना निर्भर ना हो कि उनके जाने या बदलने पर आपको असहनीय दर्द झेलना पड़े। अपनी भावनाओं को संतुलित रखें और जीवन में आत्मनिर्भर बने। श्रीमद् भगवद गीता की 13वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि किसी भी चीज की हद से ज्यादा आदत आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। चाहे वो नशे की लत हो, जुए का शौक हो, जरूरत से ज्यादा खाने की आदत हो या फिर अत्यधिक सोने और आलस में पड़े रहने की आदत हो, यहाँ तक कि मोबाइल, टीवी या किसी भी चीज की जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल आपके जीवन में दुख लेकर आता है। इसलिए मित्रों, जरूरी है कि आप अपने जीवन में हर चीज पर नियंत्रण रखना सीखें। जीवन को सुखद और संतुलित बनाने के लिए बैलेंस बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। हर चीज का आनंद लें पर उसकी सीमा में रहकर अगर आप अपनी आदतों पर नियंत्रण रखेंगे तो जीवन में संतोष और सुख का अनुभव होगा। यही संतुलित जीवन का असली रास्ता है।
श्रीमद् भगवद गीता की 14वीं शिक्षा हमें यह समझाती है कि परिवार का मतलब केवल खून के रिश्तों से नहीं होता, असली परिवार वही है जो आपके दुख और तकलीफ में आपके साथ खड़ा हो। अगर आपके जीवन की हर चुनौती का सामना आप अकेले ही कर रहे हैं तो ऐसे रिश्तों को परिवार कहना सही नहीं है। परिवार में रहकर भी अकेलेपन का एहसास करना अकेले रहने से कहीं अधिक दर्दनाक होता है। महाभारत का उदाहरण ले लें, कौरव और पांडव जो एक ही वंश और खून के रिश्ते से जुड़े हुए थे, उनके बीच इतना बड़ा युद्ध हुआ। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया क्योंकि वह खुद अपने परिवार से मिले दर्द और अन्याय का सामना कर रहे थे। अगर परिवार ऐसे होते हैं जहां एक दूसरे के साथ देने की जगह द्वेष और संघर्ष हो तो सच में अकेले रहना बेहतर है। असली परिवार वही है जो आपके साथ हर सुख दुख में मजबूती से खड़ा हो। इसलिए परिवार का मतलब समझें और अपने जीवन में उन लोगों को जगह दें जो सच में आपके अपने हों। श्रीमद् भगवद गीता की 15वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि यदि आप बहुत ज़्यादा सरल और सीधा मन लेकर चलते हैं तो दुनिया के लोग अक्सर इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आज की दुनिया में अधिकांश लोग इसी अवसर की तलाश में रहते हैं कि कैसे किसी से अधिक लाभ उठा लिया जाए। आपका सरल और सीधा स्वभाव दूसरों को ये संकेत देता है कि आप आसानी से उनका शिकार बन सकते हैं। सीधा और सरल होना गलत नहीं है, लेकिन ये एक गुण है। लेकिन जब आपकी सरलता दुनिया के सामने प्रदर्शित होने लगती है तो लोग इसे कमजोरी समझने लगते हैं। सच्चाई ये है कि सरल और ईमानदार होने का अर्थ है कि आप किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं होना चाहिए कि आप दूसरों को अपना फायदा उठाने दें। गीता की 16वीं उपदेश हमें प्रेम और सच्चाई सिखाता है। ये कहता है कि प्रेम केवल उसी व्यक्ति से करें जो उस प्रेम के योग्य हो। अगर कोई आपके प्रेम की कदर नहीं करता तो उस पर अपना समय और भावना व्यर्थ ना करें। जिस व्यक्ति को आपकी भावनाओं का सम्मान ही नहीं है उससे दूर रहना आपके लिए बेहतर है। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर आप अपने जीवन में शांति और आत्मसम्मान को बचाए रख सकते हैं। प्रेम करना बहुत सुंदर है, लेकिन ये तभी फलदायी होता है जब उसे सही व्यक्ति को दिया जाए। अपने आप को उस दुख से बचाएं जो बिना कदर वाले लोगों से प्रेम करने से मिलता है। अपने जीवन में उन लोगों को जगह दें जो आपके प्रेम की कदर करते हैं और आपको भी वही सम्मान देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की 18वीं शिक्षा हमें जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई सिखाता है। जब भी आप खुद को अकेला महसूस करें तो इस सत्य को याद करें कि आप इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। वास्तव में यहाँ कोई भी हमेशा के लिए आपका अपना नहीं है। यहाँ तक कि जो माता पिता हमें जन्म देते हैं एक दिन वे भी हमें छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे में दूसरों से अपेक्षा करना व्यर्थ है, लेकिन इस अकेलेपन में एक सच्चाई और है, ईश्वर हमेशा आपके साथ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, चाहे कोई मुझे माने या ना माने लेकिन मैं अपनी संतान का कभी साथ नहीं छोड़ता। इसलिए अकेलेपन से घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि किसी गलत व्यक्ति के साथ रहने से डरें। जैसे कि कहा गया है कि कुछ नहीं से कुछ होना बेहतर है। इसलिए मित्रों, अपने अकेलेपन को डर या दुख का कारण न बनने दें। दोस्तों, जब जीवन में मुश्किलें आती हैं तो हिम्मत मत हारें। धैर्य ही वो शक्ति है जो कठिन समय को आसान बना देता है। जो लोग मुसीबत के समय धैर्य और संयम बनाए रखते हैं वे बड़ी से बड़ी परेशानियों को पार कर लेते हैं। लेकिन जो लोग मुश्किल से डर जाते हैं उनकी परेशानियां और बढ़ जाती हैं। मुश्किल समय केवल उन्हीं का इम्तिहान लेती है जो अपनी हिम्मत पर कायम रहते हैं। याद रखें, हिम्मत और धैर्य के साथ हर चुनौती का समाधान होता है। इसलिए जीवन में जब भी कठिनाइयां आए अपनी हिम्मत को थामे रखें, क्योंकि यही आपको जीत की ओर ले जाएगी। श्रीमद् भगवद गीता की 18वीं शिक्षा हमें यह समझाती है कि जब भी आप किसी पर भरोसा करते हैं तो आप खुद को चोट खाने का मौका देते हैं। यह जरूरी नहीं कि दर्द तभी मिलेगा जब आप किसी पर पूरा भरोसा करेंगे। अगर आपने थोड़ा भी भरोसा किया तो सामने वाला आपको उसी हद तक तकलीफ पहुंचाने में सक्षम हो जाता है। जरा सोचिए, आपके जीवन में जब भी किसी ने आपको चोट पहुंचाई होगी तो इसका कारण यही रहा होगा कि आपने उस पर भरोसा किया होगा। ये भरोसा चाहे रिश्तों में हो, व्यापार में हो या किसी काम में, जब तक भरोसा नहीं होता तब तक धोखा या तकलीफ मिलने की गुंजाइश नहीं होती। मनुष्य का स्वभाव ये है कि जैसे ही वो किसी पर भरोसा करता है वो उस काम या व्यक्ति को लेकर लापरवाह हो जाता है। यह असावधानी ही अक्सर चोट का कारण बनती है। भरोसा करते ही इंसान अपनी चिंता छोड़ देता है और यही लापरवाही उसे मुश्किल में डाल देती है। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि भरोसा हमेशा सोच समझकर और सावधानी के साथ करें। श्रीमद् भगवद गीता की 19वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है। जो होना है वो होकर रहेगा और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। इसलिए आने वाले कल के डर को अपने मन से पूरी तरह से निकाल दें।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट कहा था, कर्मण्ये एवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि आपका अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल की चिंता करने पर नहीं। भविष्य का डर आपको केवल परेशान करता है और आपका आज का समय बर्बाद करता है। आपकी जिंदगी में कभी भी उतना बुरा नहीं होता जितना आप मन में सोचकर डरते हैं। जो बीत गया उसे स्वीकार करें और जो आएगा उसका सामना आत्मविश्वास से करें। आपके हाथ में केवल यही पल है, अभी का समय है। इस पल का सदुपयोग करें। सोचें कि आप अपने हालत को कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपनी परेशानियों का समाधान कैसे निकाल सकते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। भविष्य की चिंता करने से ज्यादा जरूरी है अपने कर्म पर ध्यान देना। जब आप कर्म में पूरी तरह से लगे रहते हैं तो परिणाम अपने आप सकारात्मक हो जाते हैं। भगवान पर विश्वास रखें और अपने मन में यह भरोसा बनाए रखें कि जो भी होगा वो आपके भले के लिए ही होगा। तो दोस्तों, अपनी ऊर्जा को चिंता करने में गवाएं नहीं। आने वाले कल की योजना बनाने से बेहतर है कि आज के कर्म को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें। श्रीमद् भगवद गीता की 20वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि यदि कोई चीज, इच्छा या रिश्ता बार बार आपके मन को परेशान कर रहा है तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है, चाहे वो चीज आपको कितना ही प्रिय क्यों ना हो। अगर वो आपके मन को शांति नहीं दे रही तो उसका मोह छोड़ना ही आपके लिए सही निर्णय है। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हमें कोई चीज या रिश्ता बहुत जरूरी और अच्छा लगता है, लेकिन जब उसकी वजह से हमारा मन दुख, कष्ट और पीड़ा से भर जाता है तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि ना वो चीज हमें पूरी तरह से मिल रही है और ना ही हम उसे छोड़ पा रहे हैं। इस दुविधा में हमारा मन और ज्यादा उलझन और तकलीफ झेलता है। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि जरूरी नहीं है कि हमें क्या अच्छा लगता है, बल्कि ये है कि हमारे लिए क्या सही है। जब तक आप अपने मन को उन चीजों में उलझाए रखेंगे जो आपको खुशी नहीं देती, तब तक आपको केवल दर्द और पीड़ा ही मिलेगा। इसलिए मित्रों, उन चीजों के पीछे मत भागिए जो केवल आपको आकर्षित करती हैं, बल्कि उस मार्ग पर चलिए जो आपके मन को शांति और हल्कापन दे। श्रीमद् भगवद गीता की 21वीं शिक्षा हमें ये समझाती है कि इस कलयुग में किसी का आर्थिक मदद बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। जब तक मामला किसी के जीवन मरण का ना हो और आप उस व्यक्ति की सच्चाई को पूरी तरह से ना जानते हो, तब तक पैसों से सहायता करने से बचें। कई बार ऐसा लगता है कि आपके दिए हुए पैसे किसी के जीवन को बदल देंगे या उसे सुधार देंगे, लेकिन ऐसा होना बहुत कम देखा जाता है। जब भी आप किसी को पैसे से मदद करते हैं तो इसके साथ कई जोखिम आते हैं। पहला, इससे आपके और उस व्यक्ति के बीच रिश्ते खराब हो सकते हैं। दूसरा, अधिकतर मामलों में आपके पैसे वापस नहीं आते। और सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब आपको अपने ही पैसों की जरूरत पड़ती है और आपको मजबूरी में उसी व्यक्ति से मांगना पड़ता है। उस समय अक्सर बहाने सुनने को मिलते हैं, चाहे वो व्यक्ति आपका रिश्तेदार हो, दोस्त हो या कोई और। इसलिए आर्थिक मदद करने से पहले बहुत सावधानी बरतें और आवश्यकता हो तो केवल सोच समझ कर और सीमित सहायता करें। गीता का 22वां उपदेश हमें ये सिखाता है कि अक्सर आपकी सफलता से सबसे ज्यादा जलने वाले आपके अपने रिश्तेदार ही होते हैं। बाहरी लोग ये नहीं देखते कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, लेकिन आपके रिश्तेदार हर समय आपकी जिंदगी पर नजर रखते हैं। बाहर के लोग ये कह सकते हैं कि आप आगे बढ़ें, सफल हों और खुश रहें, लेकिन जब आप सच में सफलता पाते हैं और अपनी खुशी उनके साथ शेयर करते हैं तो उनमें से कई तो इसे सहन ही नहीं कर पाते। कई बार पूरी दुनिया आपकी तारीफ करती है, लेकिन आपके अपने रिश्तेदार आपकी सफलता और खुशियां देखकर भीतर ही भीतर जलते रहते हैं। महाभारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पांडवों की हर सफलता दुर्योधन को सहन नहीं होती थी। उसकी ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि वो अपने ही भाइयों के खिलाफ युद्ध करने पर उतर आया। इस आपसी जलन और संघर्ष ने महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध कराया जिसमें असंख्य लोग मारे गए। इसलिए रिश्तेदारों की जलन से सावधान रहें, अपनी सफलता और खुशियों को संभाल कर शेयर करें और समझदारी से व्यवहार करें। श्रीमद् भगवद गीता की 23वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि जब जीवन में कठिनाइयां आए और कोई आपका साथ ना दे तो ईश्वर से प्रार्थना करना ना भूलें। कई लोग सोचते हैं कि प्रार्थना का कोई असर नहीं होता या जो मांगा जाता है वो मिलता नहीं, लेकिन प्रार्थना का अर्थ केवल मांगना नहीं है। प्रार्थना का असली मतलब है, हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने आप को इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकाल सकूं। ये एक निवेदन है कि आप हमें मार्ग दिखाएं, हमें सहन शक्ति दें और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने का साहस प्रदान करें। मुश्किलों के समय में प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जो हमारे भीतर आत्मबल जगाती है
इसलिए जब भी जीवन में अंधकार छा जाए, ईश्वर से मार्गदर्शन और शक्ति मांगे। प्रार्थना हमें सिखाती है कि ईश्वर हमारी सहायता के लिए हमेशा तैयार हैं, बस हमें उनसे जुड़ने की आवश्यकता है। श्रीमद् भगवद गीता की 24वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि अहंकारी इंसान आपके प्रेम और सम्मान की कभी कद्र नहीं करेगा। जो व्यक्ति अपने अहंकार में डूबा हुआ होता है, उसके लिए आप चाहे कुछ भी कर ले, वो आपकी भावनाओं की परवाह नहीं करेगा। घमंड में डूबे व्यक्ति को प्रेम और सम्मान देना ऐसा ही है जैसे नाली में शुद्ध दूध बहा देना। वो केवल अपने घमंड के घेरे में रहता है और उसे दूसरों की भावनाएं दिखाई ही नहीं देती। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दुर्योधन, जो युधिष्ठिर के प्रेम और विनम्रता को कभी समझ ही नहीं पाया। उल्टा वो जीवन भर युधिष्ठिर से जलता रहा और उन्हें तकलीफ देता रहा। जैसे नशे में चूर व्यक्ति को अपने आसपास की खबर तक नहीं होती, वैसे ही अहंकारी इंसान को इस बात का एहसास नहीं होता कि आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को प्यार और इज्जत देना अपने ही सम्मान को ठेस पहुंचाने जैसा ही है। गीता सिखाती है कि ऐसे लोगों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। अगर आपके दूर होने से उन्हें अक्ल आ जाए तो अच्छा है, और यदि ना भी आए तो आपने अपनी जिंदगी से एक गलत इंसान को हटाकर सही काम किया। अहंकारियों से दूरी बनाना ही सच्चा आत्मसम्मान है। श्रीमद् भगवद गीता की 25वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि इस कलयुग में किसी को भी अपना सच्चा साथी या निस्वार्थ शुभ चिंतक मान लेना भारी भूल हो सकती है। आजकल के लोग अक्सर केवल अपने स्वार्थ के लिए अपने बनने का नाटक करते हैं, और आप गौर करेंगे कि जहां जहां आप किसी के साथ भलाई करेंगे, वहीं से आपको चोट मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। हर कोई अपनी ही जरूरतों और फायदे को प्राथमिकता देता है। जिसे आपसे कोई फायदा नहीं होगा, वो आपकी ओर देखना तक पसंद नहीं करेगा, और जिनसे आप रिश्ते जोड़ने की कोशिश करेंगे, वही लोग आपके भरोसे का इस्तेमाल करने लगेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगलों में चले जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप लोगों में निस्वार्थ प्रेम या अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश करना बंद कर दें। अपने व्यवहार में भावनाओं को ज्यादा जोड़ने से बचें। ऐसा व्यवहार करें जिससे ना आपका दिल टूटे और ना ही किसी और का। गीता का 26वां उपदेश हमें यह सिखाता है कि जब कोई व्यक्ति आपको धोखा दे या छल करे, तो उस पर क्रोध करना या दुखी होना छोड़ दें। इसके बजाय उस अनुभव से सीख लें। ये समझे कि लोग अक्सर वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं या जैसे आप उन्हें समझ लेते हैं। इसलिए किसी से इतनी उम्मीद ना लगाएं कि उनकी असलियत सामने आने पर आपका दिल ही टूट जाए। अपना दिल और विश्वास ईश्वर को समर्पित कर दें। श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा कि हे अर्जुन, अपना मन और बुद्धि मुझ में लगा। दोस्तों, जब आप अपना मन और दिल ईश्वर में लगा देते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपको आहत नहीं कर सकता। आपका विश्वास इतना मजबूत हो जाता है कि संसार के छल कपट भी आपकी आत्मा को नहीं तोड़ पाते। ईश्वर पर विश्वास रखते हुए अपने मन को संतुलित रखें और आगे बढ़ें। श्रीमद् भगवद गीता की 27वीं शिक्षा हमें बताती है कि वासना, क्रोध और लालच तीनों मानव जीवन के सर्वनाश का कारण बनते हैं। ये अवगुण न केवल नर्क का द्वार खोलते हैं, बल्कि उस मनुष्य को भी विनाश की ओर ले जाते हैं जिसमें ये मौजूद होते हैं। जिस भी व्यक्ति के भीतर ये तीन अवगुण होते हैं, वो हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाता है और अंत में खुद भी दुखी रहता है। ये शिक्षा हमें सिखाती है कि इन नकारात्मक भावनाओं से बचकर ही हम अपने जीवन को सुखद और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की 28वीं शिक्षा हमें यह समझाती है कि ईश्वर को जिस रूप में आप स्मरण करते हैं, वे उसी प्रकार से आपको फल देते हैं। कंस ने हमेशा से श्री कृष्ण को अपनी मृत्यु के भय में स्मरण किया, और कृष्ण ने उन्हें वही दिया जिसकी उसे आशंका थी, मृत्यु। इसका अर्थ है कि ईश्वर से वही मांगे जो आपके लिए कल्याणकारी हो। यदि आप ईश्वर से सुख, शांति और आशीर्वाद की कामना करते हैं, तो उन्हें उसी रूप में याद करें। ईश्वर आपके विचारों और भावनाओं के अनुरूप ही आपको फल देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की 29वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि सुख की अत्यधिक लालसा ही हमारे दुखों का मुख्य कारण बनती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जितना मनुष्य सुख की इच्छा करता है, उतना ही उसका मन इंद्रियों के सुख भोग और सांसारिक आकर्षणों का गुलाम बन जाता है। सुख की चाहत जितनी बढ़ती है, उतना ही उसे दुख के अनुभव से भी गुजरना पड़ता है। ये संसार का अटल नियम है। जो चीजें पहले नजर में मन को आकर्षित करती हैं, वही बाद में गहरा दुख देती हैं। इसके विपरीत जो कार्य या आदतें शुरुआत में कठिन और चुनौतीपूर्ण लगती हैं, वे अंततः आपके जीवन को सफल और सार्थक बनाती हैं। इसलिए सुख की अति लालसा छोड़कर सही मार्ग पर चलने की कोशिश करें।
गीता की 30वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि संसार में हमारा कुछ भी अस्थाई नहीं है। जैसा कि गीता के सार में कहा गया है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। कल तक जिनके बिना जीना मुश्किल लगता था, आज उनके साथ कोई संबंध तक नहीं बचा। जो रिश्ते, मित्र और वादे कभी जीवन भर साथ निभाने की बात करते थे, वे आज कहीं खो चुके हैं। हर चीज बदलती रहती है, लोग, रिश्ते, समय और यहां तक कि हमारा अपना शरीर। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा और अंततः ये शरीर भी हमारा साथ छोड़ देता है। तो फिर किसके लिए रोना और क्यों चिंता करना। हम पूरी जिंदगी चीजों को सजाने, संवारने और रिश्तों को बनाए रखने में बिता देते हैं, लेकिन अंत में हर चीज छूट जाती है। जिस संपत्ति और संबंधों के लिए हम लड़ते रहते हैं, वे भी एक दिन हमें छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि अपने मन को इस सच्चाई के साथ तैयार करें कि यह संसार अस्थाई है। जो भी आपके पास है उसका आनंद लें, लेकिन उसमें अपना अहंकार और मोह जोड़ना नहीं है। गीता की 31वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि रोने और पछताने से कुछ नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, और तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया। जो भी हमारे पास है वो हमें इसी संसार से मिला है और इसे यहीं पर छोड़कर जाना है। आज जो आपका है वो कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसलिए जीवन में किसी चीज के खोने पर दुखी होने के बजाय ये समझें कि ये सब हमेशा के लिए नहीं रहने वाले। गीता की 32वीं शिक्षा हमें ये सिखाती है कि आज में जीना सीखें और कल की चिंता छोड़ दें। जीवन का हर पल अनमोल है और इसे केवल वर्तमान में जीकर ही पूरी तरह से अनुभव किया जा सकता है। भविष्य की चिंता में अपनी आज की खुशियों को बर्बाद ना करें। जो बीत गया है उसे जाने दें, और जो आने वाला है उस पर जरूरत से ज्यादा सोचने के बजाय अपने कर्म को करने पर ध्यान लगाएं। गीता की 33वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि नकारात्मक लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो लोग आपके बारे में गलत कहते हैं या आपकी आलोचनाएं करते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी में कोई महत्व ना दें। जब आप उनकी बातों को सुनकर सच मान लेते हैं, तो आप अनजाने में खुद को कमजोर कर लेते हैं और अपनी क्षमता पर संदेह करने लगते हैं। ऐसे लोग आपको केवल नीचा गिराना चाहते हैं, इसलिए उनकी बातों को दिल से ना लगाएं। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और केवल सकारात्मक सोच और कर्म पर ध्यान दें। गीता की 34वीं शिक्षा हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति दुनिया के सहारे को छोड़ करके केवल भगवान को ही अपना सहारा मानता है, उसकी हर आवश्यकता भगवान पूरी करते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अनन्याश चिंतयंतो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभ्युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यानी कि श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझ पर निर्भर हो जाता है, उसे जो चाहिए मैं देता हूँ और जो कुछ उसके पास है उसकी रक्षा भी करता हूँ। दोस्तों, ये उपदेश हमें ये विश्वास दिलाता है कि भगवान ही हमारा सबसे बड़ा सहारा है और उनके प्रति पूर्ण समर्पण से हम हर जरूरत और समस्या का समाधान पा सकते हैं। गीता की 35वीं शिक्षा हमें ये सिखाती है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमें एहसास होता है कि हमने व्यर्थ ही ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में महत्व दिया जिनका हमारे जीवन में कोई योगदान ही नहीं था। कई बार हम ऐसे लोगों के लिए अपना समय और ऊर्जा खर्च करते हैं जिनका हमारे जीवन में होना और ना होना बराबर है। इसलिए अपने जीवन को दूसरों के पीछे भागने में नहीं, बल्कि इसे खूबसूरत और सही उद्देश्य के लिए लगाएं। गीता की 36वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि जो होना है वो होकर ही रहेगा और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। और जिनकी बुद्धि में यह निश्चय होता है, उन्हें कभी चिंता सताती नहीं है। इस उपदेश से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम के बारे में अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है। गीता की 37वीं शिक्षा हमें सिखाती है कि अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दें, वही हमारा सबसे बड़ा सहारा है। जो भी व्यक्ति इस सहारे को पहचान लेता है, वो हर प्रकार के डर, चिंता और दुख से मुक्त हो जाता है। ईश्वर पर विश्वास और समर्पण हमें मानसिक शांति, आंतरिक शक्ति और सच्चा सुख प्रदान करता है। गीता की 38वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि जो व्यक्ति आपके साथ अधर्म करता है, उसे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधर्म को सहन करना भी एक तरह का पाप है। इसलिए जहां भी अन्याय या अनैतिकता हो, उसका दृढ़ता से विरोध करें। गीता की 39वीं शिक्षा हमें यह समझाती है कि मृत्यु से डरना व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह संसार मृत्यु लोक है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। मृत्यु केवल इस शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा ना मर सकती है और ना ही इसे मारा जा सकता है। जैसे हम पुराने कपड़े को छोड़कर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा भी नया शरीर धारण करती है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि हे अर्जुन,
तेरे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं। इस सत्य को समझने वाला व्यक्ति जीवन के हर झगड़े और दुख से मुक्त हो जाता है। जब यह निश्चित है कि हमें इस संसार से जाना ही है, तो फिर मौत का डर या दुख क्यों? इसे एक नए शुरुआत के रूप में स्वीकार करें। गीता की 40वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र उसका अपना मन होता है। जो लोग अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते, उनका मन उनका दुश्मन बन जाता है। लेकिन जो अपने मन को समझाकर उसे सही मार्ग पर ले आते हैं और अपने वश में कर लेते हैं, उनका मन उनका सबसे अच्छा साथी बन जाता है। यदि मन आपका दुश्मन बन जाए तो वो आपको बर्बाद कर सकता है, लेकिन यदि आपका दोस्त बन जाए तो आप दुनिया की हर सफलता हासिल कर सकते हैं। इसलिए मन के गुलाम बनने से बचें, अपने मन को समझाएं, उसे प्रशिक्षित करें और जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। गीता की 41वीं शिक्षा हमें सिखाती है कि जो इस दुनिया से चला गया या जो आपकी जिंदगी से चला गया है, उसका दुख करना व्यर्थ है। इसी तरह जो आने वाला है उसकी भी चिंता करना बेकार है। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन ने श्री कृष्ण से सवाल किया कि इस युद्ध में करोड़ों लोग मारे जाएंगे, उनकी पत्नियों और परिवार का क्या होगा और समाज कैसे आगे बढ़ेगा? इस पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान देते हुए कहा, अशोच्यानन वशोचस्तवम प्रज्ञावादांश्च भाषसे। यानी कि श्री कृष्ण ने समझाया, हे अर्जुन, तू ज्ञानियों जैसी बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वो ना तो मरने वाले का दुख करता है और ना ही उनकी चिंता करता है जो चले गए हैं या एक दिन जाने वाले हैं। जीवन और मरण प्रकृति के नियम हैं। ज्ञानी व्यक्ति भूतकाल का शोक नहीं करते और ना ही भविष्य की चिंता करते हैं। ये समझना आवश्यक है कि जो होना है वो होकर रहेगा और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। हमारे दुख और चिंताओं का मुख्य कारण यही है कि हम बीते हुए समय को याद करके खुद को परेशान करते रहते हैं या आने वाले समय की चिंता में डूबे रहते हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि ना तो हम भूतकाल को बदल सकते हैं और ना ही भविष्य को नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे पास केवल वर्तमान का ये पल है और यही हमारे हाथ में है। जब आप इस पल को पूरी तरह से जीना सीख जाते हैं तो आपकी चिंताएं और तनाव खत्म हो जाते हैं। इसलिए गीता का संदेश है कि अपने आज को पूरी तरह से जिए, भूतकाल और भविष्य की सोच को त्याग दें। गीता का 42वां उपदेश हमें यह सिखाता है कि चाहे कोई कितना भी अपना या कोई बड़ा ही क्यों ना हो, उसका आपके प्रति गलत व्यवहार सहन नहीं करना चाहिए। अक्सर हम अपने मन की तकलीफों को इस सोच में दबा देते हैं कि सामने वाला अपना है या बड़ा है और उसे कुछ कहने से कहीं रिश्ते खराब ही ना हो जाए। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि वो व्यक्ति अपना कैसे हो सकता है जो आपकी तकलीफों का कारण बनता है। असली अपना तो वो होता है जो आपकी परेशानियों को दूर कर देता है। गीता हमें यह सिखाती है कि किसी को भी अपने साथ अन्याय करने या आपका फायदा उठाने का मौका ना दें, क्योंकि जितना आप सहते रहेंगे लोग आपको और ज्यादा सहने के लिए मजबूर करते रहेंगे। अपनी आत्मसम्मान की रक्षा करें और अन्याय के खिलाफ खड़े हों। गीता की 43वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि भले ही आप कितने भी अच्छे कर्म कर लें, लोग आपकी बुराइयों को ही याद रखेंगे। दुनिया का स्वभाव तो यही है, इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान देने के बजाय अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें। जो लोग आपकी आलोचनाएं करते हैं उनकी परवाह किए बिना अपने कर्म को निष्ठा और ईमानदारी से करते रहें। गीता की 44वीं शिक्षा हमें सिखाती है कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह करना इंसान के लिए सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पूरा ज्ञान उसके मोह को नष्ट करने के लिए ही दिया। अर्जुन जो देवताओं को भी युद्ध में परास्त कर चुका था, अपने रिश्तेदारों को देखकर मोह से इतना व्याकुल हो जाता है कि उसके हाथ कांपने लगे और वह युद्ध करने में असमर्थ हो गया। मोह इतना पीड़ादायक होता है कि इसकी पीड़ा सहन ना कर पाने के कारण कई लोग अपना जीवन तक समाप्त कर लेते हैं। यदि आप किसी से अत्यधिक मोह करते हैं तो ये आपके जीवन में केवल कष्ट और दुख लाएगा। गीता का ये उपदेश यही है कि मोह को त्याग कर बुद्धिमान और मजबूत बने। मोह से मुक्त होकर ही आप अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। गीता का 45वां उपदेश हर किसी ने सुना है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। पर यह समझने में कई लोग चूक जाते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। इसका यह कतई अर्थ नहीं है कि जो मन में आए वो करते जाएं और कहें जो होगा देखा जाएगा। ना ही इसका ये मतलब है कि किसी भी काम को बार बार करते रहें चाहे उसका परिणाम निकले या ना निकले। इस उपदेश का सही अर्थ ये है कि जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो बदले में उनसे कोई उम्मीद ना रखें। अक्सर हम सोचते हैं कि हमने किसी के लिए इतना किया
तो वो भी हमारी मदद करेगा, लेकिन जब वो इंसान आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो तकलीफ तो होती है। आज के दौर में लोग एहसान जल्दी भूल जाते हैं, यहाँ तक कि लोग अपने माता पिता के बलिदानों को भी भुला देते हैं। तो आपके द्वारा किसी छोटे या बड़े एहसान को याद रखना उनके लिए मुश्किल ही है। गीता सिखाती है कि जब आप किसी की मदद करें तो अपने मन में ये सोच रखें कि आप ये काम सिर्फ अपने कर्तव्य और अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। किसी से उम्मीद बांधना केवल आपको दुखी कर सकता है, इसलिए कर्म करो और फल की चिंता मत करो का असली अर्थ ये है कि आप अपने कर्म में पूरी मेहनत और सच्चाई से जुटें। परिणाम को नियंत्रित करना आपके हाथ में नहीं है, आपका काम सिर्फ कर्म करना है। फल कैसा होगा ये ईश्वर या प्रकृति पर छोड़ दें। गीता की 46वीं शिक्षा हमें समझाती है कि यदि आपने इस संसार में जन्म लिया है तो दुखों का सामना करना स्वाभाविक है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ये संसार दुखों का घर है। जैसे औषधालय में औषधि मिलती है, पुस्तकालय में पुस्तकें मिलती है और चिकित्सालय में चिकित्सा होती है, वैसे ही ये संसार दुखालय है, यानी दुखों का स्थान। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुखों से डरें या उसकी चिंता करें। इस संसार की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि ये परमानेंट नहीं है, यहाँ कुछ भी अस्थाई नहीं है। दुख और सुख एक दूसरे में बदलते रहते हैं। आज का दुख कल का सुख बन सकता है और आज की खुशी कल का दुख। इसी तरह सम्मान अपमान में बदल सकता है, हार जीत में और जीत हार में। ये परिवर्तन का चक्र हर समय चलता रहता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें इस बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। यहाँ ना तो हम परमानेंट हैं और ना ही हमसे जुड़ी कोई चीज, इसलिए जीवन में आने वाले हर अनुभव को अपनाएं और जाने कि ये सब अस्थाई नहीं है। यही सोच हमें जीवन के हर उतार चढ़ाव का सामना करने की शक्ति देती है। गीता की 47वीं शिक्षा हमें ये सिखाती है कि सच्चा सुख और आनंद किसी बाहरी चीज में नहीं है, बल्कि हमारे अपने भीतर होता है। परंतु इंसान इसे हमेशा बाहर खोजने की भूल करता है। वो कभी इसे किसी और व्यक्ति में ढूंढता है तो कभी दूसरों की जिंदगी में, कभी भविष्य के सपनों में इसे पाने की कोशिश करता है। पूरी जिंदगी सुख की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन ये सुख उसे बाहरी दुनिया में कभी नहीं मिलता, क्योंकि ये आनंद उसके अपने मन और आत्मा के भीतर छुपा होता है। इसे खोजने के लिए आत्ममंथन और आत्म साक्षात्कार की जरूरत होती है, ना कि बाहरी भटकाव की। गीता की 48वीं शिक्षा हमें सिखाती है कि कर्मों का फल हर किसी को भोगना ही पड़ता है। चाहे कोई कितना भी चतुराई क्यों ना कर ले, अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकता। यह सच्चाई है कि कर्मों का डंडा आज नहीं तो कल हर किसी पर पड़ता है। इसलिए सही कर्म करने का प्रयास करें, क्योंकि कर्म का हिसाब ईश्वर के नियमों से चलता है, जिन्हें कोई बदल नहीं सकता। गीता की 49वीं शिक्षा हमें ये बताती है कि मन और विचारों को नियंत्रित किए बिना जीवन में शांति और सुकून की प्राप्ति असंभव है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था, हे कृष्ण, मेरा मन सही और गलत सब कुछ जानता है, फिर भी मेरे विचार और मेरा मन मेरे वश में नहीं रहते। जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता, और जो मैं नहीं करना चाहता वो मेरा मन मुझसे वही करवाता है। इससे मैं बेचैन हो गया हूँ और मुझे शांति नहीं मिल रही। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, शांति पाने के लिए तुझे अपने मन और विचारों को सही दिशा में ले जाने का अभ्यास करना होगा। ये आसान नहीं है और ये एक दिन का काम नहीं है, लेकिन जब तक तू अपने मन और विचारों की गुलामी नहीं छोड़ेगा तब तक तुझे शांति और खुशी का अनुभव नहीं होगा। अभ्यास, धैर्य और आत्मसंयम से ही मन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए, और साथ ही आपकी कुछ मानसिक समस्याएं हो तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा, जिसका समाधान देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। भगवान आपका सदा भला करें। धन्यवाद।